गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे टॉपिक इज मैट्रिक्स कंटिन्यूड सो इन दिस चैप्टर वी सल्फ स्टडी एट ज्वाइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वी आल्सो स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक इन सोल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टेंथ क्लास में जो हमने लीनियर सिस्टम को सोल्व किया था बच्चों ग्राफिकली एलिमिनेशन सब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से उन लीनियर सिस्टम को हम मैट्रिक्स मेथड से भी इस चैप्टर में सोल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं बेटा एडज्वाइंट ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स एडज्वाइंट ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स पढ़ते हैं क्या होता है देखिए अगर ए कोई मैट्रिक्स है डिनोटेड बाय ए आई जे ए कोई मैट्रिक्स है बेटा डिनोटेड बाय ए आई जे बी एन रोड स्केयर मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स

स्मॉल ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानि कि बच्चों अगर ए कोई ए आई जे एक एन रोड स्केयर मैट्रिक्स है तो कोफैक्टर सॉरी एडजॉइंट जो है वो डिफाइंड है बेटा अनदर एन रोड स्केयर मैट्रिक्स विच इज़ द ट्रांसपोज ऑफ एन रोड स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे यानी कि इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको ही बोलेंगे हम एडज्वाइंट ऑफ ए और मैंने बता आपको ए आई जे क्या है कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे इनडिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एडज्वाइंट ऑफ ए किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट है जो बच्चों वो इससे डिनोट कर सकते हम एडज्वाइंट ऑफ ए तो एडजवाइंट ऑफ ए क्या है बच्चों में बताऊँ आपको ए जे आई जो है उसका ट्रांसपोज ए जे आई से जो मैट्रिक्स बनेगा सो ए आई जे से के ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बनेगा बेटा वही हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए और ए आई जे क्या है कोफैक्टर ऑफ़ स्मॉल ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर ऑल आई एंड जे तो एडज्वाइंट ऑफ ए को आप डिनोट कर सकते हैं एल्फा आई जे ये तो आपका क्या हो जाएगा देखिए ए जे आई हो जाएगा तो इसको मैं एल्फा आई जे लिख देता हूँ वेयर एल्फा आई जे क्या है एल्फा आई जे है बेटा कैपिटल जे आई एंड कैपिटल ए जे आई इज अ अफैक्टर ऑफ स्मॉल ए जे आई इन द डिटरमेंट ऑफ ए फॉर ऑल आई एंड जे तो सिंपली एक एन रोड स्केयर मैट्रिक्स हम लेकर चलते हैं देखिए ये मैट्रिक्स है एन रोड स्केयर मैट्रिक्स ए वन वन ए so वन टू एंड सोन ए वन एन उसके बाद ए टू वन ए टू टू एंड सोन ए टू एन सिमिलरली एन वन एन टू एंड सोन ए एन एन ये मैट्रिक्स क्या आपका ये मैट्रिक्स है बच्चों एन रोड स्केयर मैट्रिक्स है कोई ये तो इसके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा बेटा कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं कोफैक्टर मैं आपको बता चुका कैसे फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर कोफैक्टर लिखा जाएगा कैपिटल ए वन वन यहाँ कैपिटल ए वन टू एंड सोन कैपिटल ए वन एन सिमिलरली ए टू वन ए टू टू एंड सोन ए टू एन एंड सोन सिमिलरली एन वन एन टू एंड सोन ए एन एन दिस इज द मैट्रिक्स ऑप्टेंड बाई कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए एंड एडज्वेंट ऑफ ए इज़ एडज्वेंट ऑफ ए इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑप्टेंड बाई दीज कोफैक्टर्स यानी कि गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम लेंगे बच्चों तो वो आ जाएगा आपका ऑफ़ ए तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं देखो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है जो उसको फर्स्ट वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को फर्स्ट वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को सेकेंड वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे एंड थर्ड ओरिजेंटल लाइन को थर्ड ओरिजेंटल लाइन में कन्वर्ट करेंगे और एनएथ ओरिजेंटल लाइन को जो कि ये है एनएथ ओरिजेंटल लाइन इसको एनएथ वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे ठीक है ना एनएथ वर्टिकल लाइन में इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका एड ऑफ ए जैसे कि आपके पास एक टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है बच्चों ए वन वन ए वन टू ए टू वन एंड ए टू टू इसका लेते हम ऐड ऑफ ए तो क्या है कि माइनर और कोफैक्टर निकलेंगे उसके बाद कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे वो आ जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए लेकिन आप डायरेक्ट टू क्रॉस टू में एडजवाइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा इन दोनों एलिमेंट्स के आप प्लेस चेंज कर दीजिए इन दोनों एलिमेंट के प्लेस चेंज कर दीजिए तो इन दोनों एलिमेंट के प्लेस चेंज कर देता हूँ मैं ए टू टू यहाँ पर और ए वन वन यहाँ पर फिर जो ये एलिमेंट हैं ये वाले एलिमेंट इन दोनों के आप साइन चेंज कर दीजिए साइन चेंज प्लेस यही रहेगा माइनस ए टू वन एंड ए वन टू दिस इज़ एडज्वेंट ऑफ मैट्रिक्स ए तो टू क्रॉस टू में अगर आप एडज्वेंट ऑफ ए लेते हैं बेटा तो इन दोनों के प्लेस चेंज कर दीजिए और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए अब आगे पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टी तो आगे पढ़ते हैं बेटा कुछ प्रॉपर्टी तो थ्योरम फर्स्ट है यहाँ पर ए इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए एंड विच इज इक्वल टू डिटमेंट ऑफ ए इंटू आई एन इक्वल टू एड ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए सेकेंड थोरम पढ़ते हैं बेटा एट ऑफ ए विद डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द एन माइनस वन और इसकी कर्लरी पढ़ते हैं बच्चों इस प्रॉपर्टी की कर्लरी इफ ए इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर यू कैन से दैट नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर if a is known singular matrix then adjoint of a determinant is also known singular यानी कि अगर ए का डिटर्बिनेंट जीरो नहीं है बच्चों तो एड ऑफ ए का डिटर्मेंट भी जीरो नहीं होगा रीज़न ये इसके पीछे क्योंकि एड ऑफ़ ए का डिटर्बेंट जो है वो डिटर्बनेंट ए रेस टू द एन माइनस वन है अगर ये जीरो हो जाएगा तो एड ऑफ ए का भी डिटर्मेंट जीरो हो जाएगा और डिटर्बेंट ऑफ ए अगर जीरो नहीं है बच्चों तो एड ऑफ ए का डिटमेंट भी नॉन जीरो ही आएगा इन सभी के प्रूफ मैं आपको करवा चुका फिज़िकल क्लास में स्कूल में जो क्लास लगी थी आपकी सभी ए टू जेड जो थोरम है बेटा उनके प्रूफ मैं आपको करवा चुका क्लास में फिर भी अगर किसी बच्चे को दोबारा से वो समझनी है कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा मैं जिस भी प्रॉपर्टी थ्योरम को आप बोलते हैं दोबारा से मैं उसको यहीं पर आपकी एक और क्लास में उसको कंसीडर कर सकता हूं ठीक है ना तो इसकी नेक्स्ट कर्लरी है बच्चों इसी थोरम सेकंड की कर्लरी है ये ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो है बेटा वो आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजवाइंट ऑफ ए विद डिटर्मिनेंट एंड वी नो दैट एडजवाइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है थोरम सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द एन माइनस वन तो एन माइनस वन पावर ये है वन पावर ये है तो टोटल पावर आ जाएगी इसके ऊपर एन पावर यानी कि इसकी जो सेकंड करलरी है सेकंड थोरम की वो ये है कि ए इंटू एडज्वेंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्बिनेंट ऑफ ए रेज टू द एन के इक्वल आएगा नेक्स्ट थोरम है बच्चों फिफ्थ थोरम वैसे तो थर्ड थोरम है ये करलरी थी दोनों लेकिन मैंने इसका सीरियल नंबर थ्री फोर डाल दिया यहाँ पर एडज्वेंट ऑफ एडजट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द एन माइनस टू इंटू एसकी कर्लर ही है बच्चों एडज्वेंट ऑफ एडज्वेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मेंट ऑफ ए रेज टू द एन माइनस टू इंटू ए तो अगर दोनों तरफ हम डिटर्बिनट्स ले लेते हैं इसमें एडज्वेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए डिटर्बिनेंट इज़ इक्वल टू डिटर्बेंट ऑफ ए रेस टू द एन माइनस वन स्केयर ठीक है बच्चों मैं ये दोबारा से आपके सामने लिखने लग रहा हूँ बेटा तो रीजन ये है इसके पीछे कि ये जो है ना सी बी एस ई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी और वन मार्क्स में डेफ़िनेटली आती हैं ये इनके रिजल्ट यूज ज़रूर होते हैं मैं ए टू जेड का प्रूफ आपको क्लास में दे चुका नेक्स्ट है बेटा थोरम इफ ए स्केयर मैट्रिक्स देन एडजेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू एडजट ऑफ ए डैस अगर ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है देन ऐडेंट ऑफ ए डैस इज इक्वल टू एडज्वेंट ऑफ ए का वोल डैस अगर ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है देन एडजट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडज्वेंट ऑफ ए और नेक्स्ट जो है इसकी कर्लरी भी बोल सकते हैं आप या फिर आप बोल सकते हैं नेक्स्ट थोरम तो थोरम ये है एडज्वाइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एडज्वाइंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक यानी कि एडजंट ऑफ ए डैश इक्वल टू एडजट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए डैश इक्वल टू एड ऑफ ए यानी कि कोई अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ़ ए इज सिमेट्रिक अगर ए सिमेट्रिक है बेटा तो उसका एडज्वाइंट भी क्या होगा सिमेट्रिक ही होगा चेक करते हैं देखिए जो सेवंथ प्रॉपर्टी है उसमें हमने लिखा एडजवेंट ऑफ ए डैस सेवंथ प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं एडज्वेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू एडजवेंट ऑफ ए का होल डैस अब मैं ए डैश को हटाकर कर यहाँ लिख देता हूँ एडजवेंट ऑफ़ ए रीजन क्या है इसके पीछे आप जानते हैं इट इज़ गिवन दैट ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो वी कैन रिप्लेस ए डैश इंटू विद एयर फोर एडजवेंट ऑफ ए इज़ आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों नाइन्थ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको सीरियल नंबर इसका वैसे मैंने कर्लरी को भी सीरियल नंबर ही दे दिए यहाँ पर ए बी एडजंट ऑफ ए बी इक्वल टू एड ऑफ बी इंटू एड ऑफ ए यानी कि एड ज्वाइट ऑफ प्रोडक्ट ए बी इज इक्ल टू प्रोडक्ट ऑफ एड जेंट ऑफ बी एंड एड ज्वाइंट ऑफ ए तो दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों ये प्रॉपर्टी जो है ये जो सी बी एस ई बोर्ड में इन सभी के रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं आप यानी कि रिज़ल्ट यूज हो सकते हैं किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेकेंड प्रोपर्टी के ऊपर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इफ़ डेंट ऑफ ए इज फाइव ऑफ ए मैट्रिक्स एन रोड स्केयर मैट्रिक्स दैन फाइंड द एडजवेंट डेंट ऑफ एडज्वेंट ऑफ ए यानी कि एडजवेंट ऑफ ए का आपने डिटमेंट फाइंड आउट करना है अगर ए का डिटमेंट क्या है फाइव तो एडज्वेंट ऑफ ए का डिटमेंट्स हम लिखेंगे डटमेंट ऑफ ए रेज टू द एन माइनस वन आप डिटमेंट ऑफ ए के प्लेस पर रखेंगे फाइव और एन क्या है ऑर्डर ए का ऑर्डर जो कि है स्केयर ऑर्डर में थ्री करोस थ्री तो एन के प्लेस पर आएगा थ्री माइनस वन तो यानी कि फाइव रेस टू द दूसरे ट्वेंटी फाइव इफ़ डिटमेंट ऑफ एज फाइव देन डिटमेंट ऑफ एड ज्वाइंट ऑफ एज ट्वेंटी मैट्रिक्स सो एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन स्टार्ट करते हैं बेटा तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एड ज्वाइंट ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस तो फर्स्ट पार्ट है इसका मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू में वन टू एंड थ्री माइनस फाइव तो मैंने बताया आपको टू क्रॉस टू में एडजवाइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट आप कर सकते हैं देखो इन दोनों के प्लेस चेंज करेंगे इन दोनों के प्लेस चेंज कर देते हैं बेटा यहाँ आ जाएगा माइनस फाइव और यहाँ आ जाएगा वन और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं माइनस टू एंड माइनस थ्री दिस इज़ एडज्वाइंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है आपका उसका ये क्या आ जाएगा एडजॉइंट ठीक है ना नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट ए मैट्रिक्स है आपका यहाँ पर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स स्केर वन माइनस एक्स तो एड ऑफ ए फाइंड आउट करना है बच्चों तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों एलिमेंट्स के प्लेस चेंज कर दीजिए यानी कि यहाँ आ जाएगा वन माइनस एक्स और इस प्लेस पर आ जाएगा एक्स प्लस वन और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए बेटा तो x माइनस वन का साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स या ब्रैकेट x माइनस वन इन माइनस और ये आ जाएगा माइनस एक्स केयर दिस इज़ एड ऑफ ए ऑफ दिस मैट्रिक्स नेक्स्ट बच्चों थर्ड पार्ट इसी में तो मैट्रिक्स को लेट कर लेता हूँ मैं ए और वो है टू आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा माइनस आयोटा एंड थ्री प्लस आयोटा तो एट ऑफ ए फाइंड आउट करना है बच्चों इसका भी हमने तो देख लीजिए इन दोनों के मैं प्लेस चेंज कर देता हूँ इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए मैंने थ्री प्लस आयोटा एंड टू आयोटा और इन दोनों के साइन चेंज कर देता हूँ बेटा तो ये आ जाएगा वन माइनस आयोटा और ये आ जाएगा प्लस आयोटा ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी फोर्थ पार्ट में क्या है ए मैट्रिक्स है आपका वन टेंजेंट अल्फा बाई टू माइनस टेंजेंट अल्फा बाई टू एंड वन तो एड ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं अगर हम तो मैंने बता आपको इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए कर दीजिए तो जो कि सेम टू सेम रहेंगे क्योंकि दोनों प्लेस पर जो वैल्यू वो सेम वैल्यू है बिल्कुल इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए बेटा ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट एल्फ़ा बाई टू एंड टेंजेंट एल्फ़ा बाई टू दिस इज एड ज्वाइंट ऑफ ए नेक्स्ट बच्चों सेकेंड क्वेश्चन फाइंड आउट करना अपने एड ज्वाइंट ऑफ ए वी हैव ए थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स दैट इज वन माइनस वन जीरो टू थ्री माइनस टू एंड टू जीरो वन ये है बेटा थ्री करोस थ्री ऑर्डर का स्क्र मैट्रिक्स तो इसका आपने फाइंड आउट करना है एट ऑफ ए तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं माइनर्स माइनर्स आफ्टर कैंसिलिंग सम पर्टिकुलर रो एंड कॉलम वी ऑफटेंड ए सब डिटर्मिनेंट विच इज कॉल्ड माइनर ऑफ ए तो किसी डिटरमिनेंट्स की कुछ पर्टिकुलर रो और कॉलम अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो ऑप्टेंड जो डिटर्मिनेंट है बेटा सब डिटरमिनेंट्स वो आ जाएगा माइनर ऑफ दिस डिटरमिनेंट्स तो एम वन वन इज़ द माइनर ऑफ स्मॉल ए वन वन आफ्टर कैंसिलिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वी ऑप्टेंड थ्री माइनस टू एंड जीरो वन और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो थ्री की वन के साथ मल्टीप्लाई और ज़ीरो की टू के साथ मल्टीप्लाई दैट इज़ थ्री उसके बाद है बच्चों एम टू एम वन टू यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे इसमें से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को वी ऑप्टेंट टू टू एंड माइनस टू वन तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया टू माइनस लगाना होता है यहाँ पर और ये माइनस अटैच है यहाँ पर इसका प्रोडक्ट आ गया माइनस फोर तो ये आ गया बच्चों टोटल सिक्स नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट आपने निकालना है एम वन थ्री एम वन थ्री यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे यहाँ से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को तो ये आ जाएगा टू थ्री एंड टू ज़ीरो तो इसका प्रोडक्ट आ गया ज़ीरो इसका प्रोडक्ट सिक्स माइनस लगाना होता है यहाँ पर तो माइनस सिक्स नेक्स्ट करेंगे बच्चों हम एम टू वन एम टू वन यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को वी ऑप्टेंड माइनस वन जीरो जीरो वन माइनस वन ज़ीरो एंड ज़ीरो वन तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया बेटा माइनस वन और इनका हो गया ज़ीरो तो माइनस वन माइनस ज़ीरो ठीक है ना उसके बाद नेक्स्ट <coughs> है फिर एम टू टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को कैंसिल करेंगे यहाँ से तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को कैंसिल करेंगे ये सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम तो बच जाएगा वन जीरो एंड टू वन वन ज़ीरो एंड टू वन इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा वन इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ज़ीरो और फाइनली आंसर आ जाएगा वन नेक्स्ट है बेटा एम टू थ्री यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम बचेगा आपके पास वन माइनस वन टू ज़ीरो वन माइनस वन एंड टू ज़ीरो तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा जीरो माइनस साइन इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस टू तो ये आ जाएगा प्लस टू नेक्स्ट बच्चों एम थ्री वन एम थ्री वन यानि कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे बेटा अब की बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टू माइनस जीरो यानी कि टू तो चलो मैंने ये अंड्रिटमेंट का साइन लगा दिया तो मैं लिख ही देता हूँ माइनस वन जीरो थ्री माइनस टू देट इज़ टू नेक्स्ट बच्चो एम थ्री टू थर्ड रो सेकेंड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये आ गया माइनस टू माइनस जीरो एंड नेक्स्ट है बच्चों एम थ्री थ्री थर्ड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये आ गया थ्री और प्लस टू फाइव दीज ऑल आर माइनर्स नाव वी हैव टू फाइंड को फैक्टर्स अब फाइंड आउट करते हैं बेटा कोफैक्टर्स एंड वी नो दैट कोफैक्टर्स एंड माइनर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट मे बी अपोजिट इन साइन क्या है कि माइनर और कोफैक्टर जो हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं लेकिन साइन में डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो माइनर है वही सेम टू सेम कोफैक्टर लिख देता हूँ बेटा जैसे कि एम वन वन क्या है आपके पास थ्री तो ए वन वन क्या लिखा है मैंने थ्री और एम वन टू क्या आपके पास सिक्स तो ए वन टू मैंने क्या लिखा सिक्स और ए वन थ्री मैंने लिखा माइनस वन जो कि माइनस सिक्स सॉरी जो कि माने सिक्स था एम वन थ्री ठीक है ना जो माइनर थे जैसे कि थ्री सिक्स माने सिक्स तो मैंने सेम एज़ इट इज़ क्या लिखे कोफैक्टर फिर मैं लिखता हूँ बच्चों यहाँ पर सेकेंड रो के कोफैक्टर विच आर डिनोटेड एज ए टू वन ए टू टू एंड ए टू थ्री अब देखिए आप ए टू वन वही लिखूँगा मैं जो एम टू वन है जो कि क्या है माइनस वन उसके बाद ए टू टू सेम लिख देता हूँ मैं जो एम टू टू है वन ए टू थ्री मैं सेम लिख देता हूँ जो एम टू थ्री है जैसे कि टू नेक्स्ट बच्चों थर्ड रोके को फैक्टर विच आर डिनोटेड एज ए थ्री वन ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री तो ए थ्री वन वही लिखता हूँ बेटा मैं जो एम थ्री वन है जो कि है टू यहाँ पर तो टू ही मैंने यहाँ लिखा और एम थ्री टू है फाइव तो ए थ्री टू भी मैं लिखता हूँ सॉरी एम थ्री टू है माइनस टू तो ए थ्री टू मैंने लिखा माइनस टू नेक्स्ट है एम थ्री थ्री फाइव तो ए थ्री थ्री मैं लिखता हूँ यहाँ पर फाइव अब क्या है कि बच्चों इन दोनों का सम अगर ईवन है तो साइन चेंज आपने नहीं करना इन दोनों का साइन सम अगर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा बेटा ये नेगेटिव हो जाएगा इन दोनों का सम इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे इन दोनों का सम ओड है तो साइन चेंज करेंगे पॉजिटिव साइन हो जाएगा इन दोनों का सम इवन साइन चेंज नहीं होगा इन दोनों का सम ओड तो साइन चेंज हो गया नेगेटिव आ गया नेक्स्ट फिर इन दोनों का जो सम है वो क्या है इवन तो साइन चेंज नहीं होगा इन दोनों का सम क्या है ओड तो साइन चेंज हो गया पॉजिटिव बन गया इन दोनों का सम इवन तो साइन चेंज नहीं होगा रीज़न ये है कि जो कोफैक्टर होते हैं उसको आप डिनोट कर सकते हो ए आई जे से विच इज़ इक्वल टू माइनस वन रेस टू द आई प्लस जे इन एम आई जे यानी कि जो को फैक्टर है बच्चों ए आई जे वो माइनर एम आई जे का माइनस वन रेस्ट टू तो द आई प्लस जे टाइम्स है ठीक है ना अब देखिए आप माइनर फाइंड आउट किए हमने उसके बाद कोफैक्टर फाइंड आउट किए और आगे करते हैं बच्चों अब एड ज्वाइंट ऑफ ए तो उसके लिए एडज्वेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं बच्चों तो वी नो दैट एडज्वेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ़ द मैट्रिक्स ऑप्टेंड बाई द मैट्रिक्स कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स विच आर ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री नेक्स्ट ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री यानी कि ये जो मैट्रिक्स है आपके सामने ये है कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर मैं ले लेता हूँ तो मिल जाएगा मेरे को एडजवाइंट ऑफ ए एडजवाइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कोफैक्टर्स की वैल्यू रख देता हूँ बच्चों जो कि अभी हमने फाइंड आउट की थी वो थी आपके पास थ्री माइनस सिक्स एंड माइनस सिक्स नेक्स्ट थी बेटा वन वन माइनस टू नेक्स्ट थी टू टू एंड फाइव और इसका ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये आ जाएगा देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे यानी कि फर्स्ट जो ओरिजेंटल लाइन है उसको फर्स्ट वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करना आपने सेकंड ओरिजेंटल लाइन को सेकंड वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करना आपने थर्ड ओरिजेंटल लाइन को थर्ड वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करना आपने दिस इज़ एडज्वेंट ऑफ ए यही है बेटा एडज्वेंट ऑफ ए ठीक है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल वे कैलकुलेटेड माइनर दैन कोफैक्टर दैन द मैट्रिक्स ऑप्टेंड बाई गीवन कोफैक्टर्स एंड देन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स वी ऑप्टेंड एट ज्वाइंट ऑफ ए तो ये सम था बेटा आप एलिमेंट बुक में देख सकते हो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट ठीक ऐसे ही सेकेंड और थर्ड पार्ट यू कैन डू इजीली नाउ वी नीड टू कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन विच इज मैट्रिक्स ए इज ए टू क्रॉस टू मैट्रिक्स विच इज फाइव माइनस टू एंड थ्री माइनस टू दिस इज ए मैट्रिक्स एंड वी हैव टू वेरीफाई दैट ए इंटू एड ज्वाईंट ऑफ ए इज इक्वल टू एड ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई टू तो बच्चों ये प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव की थी क्लास में वो यहाँ पर वेरीफाई करनी है कहीं आप प्रूव भी ऐसे ही करें कोई एग्जाम्पल लेकर एग्जाम्पल लेकर वेरीफाई होती है बेटा प्रूव नहीं होती प्रूव जनरल मेथड से करना पड़ेगा जैसे मैंने आपकी क्लास में सोल्व किया था इसको तो यहाँ पर जो है इसकी फर्स्ट साइड में निकाल देता हूँ ए इंटू ऑफ ए और एड ऑफ ए फाइंड आउट आप कर सकते हो माइनर को फैक्टर लेकर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स प्री फैक्टर जिसको हम बोलेंगे ये है प्री फैक्टर और ये है पोस्ट फैक्टर तो पोस्ट फैक्टर में लिखता हूँ बेटा एडजवाइंट ऑफ ए तो एडजवाइंट ऑफ ए में मैंने बताया था आपको इन दोनों के प्लेस चेंज कर देना ठीक है ना टू क्रॉस टू में और इन दोनों के साइन चेंज कर देना ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा अब देखो मल्टीप्लाई का रूल आप जानते हैं ही थर्ड चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके तो मल्टीप्लाई का रूल है बच्चों फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करनी है हमने क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो है आपके पास यहाँ पर सिलेबस में रो बाई कॉलम प्रोडक्ट वैसे प्रोडक्ट चार तरह के होते हैं बेटा मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में भी रो बाई कॉलम रो बाई रो कॉलम बाई कॉलम एंड कॉलम बाई रो लेकिन इन सभी में से जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं यहाँ पर अपनी क्लास में वो यूज़ करते हैं रो बाई कॉलम तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करनी है आपने तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है देखो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ माइनस टेन और सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड के साथ प्लस सिक्स तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई बच्चों फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हुई अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट की फ़र्स्ट के साथ हो जाएगी टेन और सेकंड की सेकंड के साथ हो जाएगी बेटा माइनस टेन ठीक है ना तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम के साथ कंप्लीट हुई अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगी माइनस सिक्स और इसके साथ हो जाएगी प्लस सिक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करते हैं तो ये आ जाएगा सिक्स और ये आ जाएगा माइनस टेन ठीक है ना अब कैलकुलेट कर देते हैं इसको ए इंटू एड ऑफ ए कैलकुलेट किया हमने देखिए माइनस टेन प्लस सिक्स यानी कि माइनस फोर और टेन माइनस टेन ज़ीरो माइनस सिक्स प्लस सिक्स ज़ीरो सिक्स माइनस टेन माइनस फोर और इसको माइनस फोर को अगर कॉमन लेते हैं बेटा तो ये आ जाएगा आपका वन ज़ीरो एंड ज़ीरो वन ठीक है ना ये फर्स्ट साइड आ गई अब सेकंड साइड निकालते हैं एडज्वेंट ऑफ ए अब की बार क्या आ जाएगा बेटा प्री फैक्टर और ए क्या आ जाएगा पोस्ट फैक्टर यानी कि फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे हम एडज्वेंट ऑफ ए जो कि क्या था ये था एडजेंट ऑफ ए मैंने यहाँ लिख रखा था ये माइनस टू फाइव या दोबारा से निकाल लीजिए इन दोनों के प्लेस चेंज कर दीजिए और इन दोनों के साइन ये मिल जाएगा आपको एडज्वेंट ऑफ ए अब ए को यहाँ पर इसके साइड में लिख देते हैं बेटा सेकंड फैक्टर है जो पोस्ट फैक्टर है ए अब की बार पोस्ट प्लेस पर रखना आपने ए ये देख लीजिए ये मैं कैलकुलेट करूँगा अभी ठीक है ना तो भाई फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कर देता हूँ अब की बार मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बेटा देखो ये हो गया माइनस टेन ये हो गया प्लस सिक्स तो माइनस फोर अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करते हैं ये हो गया प्लस फोर माइनस फोर ज़ीरो अब सेकेंड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट हो गई फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन जीरो अब सेकेंड कॉलम के साथ होगी तो प्लस सिक्स और माइनस टेन यानी कि माइनस फोर माइनस कॉमन ले सकते हो बेटा इसमें से भी तो ये बच जाएगा वन ज़ीरो जीरो वन ये मैंने सेकेंड इसकी साइड कैलकुलेट की अब थर्ड साइड कैलकुलेट करता हूँ उसके लिए मैं निकाल देता हूँ एड जो डिटर्मिनेट जो ए है उसका डिटर्मिनेंट तो एक का डिटमेंट्स देख लीजिए कैसे निकालते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया माइनस टेन माइनस का साइन यूज़ करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया माइनस सिक्स तो ये हो गया बेटा माइनस टेन और प्लस सिक्स यानी कि माइनस फोर तो दिस इज़ ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब डिटमेंट ऑफ ए की आई टू के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे हम डिटमेंट ऑफ ए एक स्केलर हो चुका और आई टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू का तो वी ऑब्जर्व दैट दिस इज थर्ड साइड दिस इज सेकेंड साइड एंड दिस इज फर्स्ट साइड एंड ऑल आर इक्वल देर फॉर वी कैन से दैट ए इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए इज इकल टू एड ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए इज इकल टू डेटमेंट ऑफ ए इंटू आई टू फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा तो एलिमेंट बुक में फाइव पॉइंट वन में फोर्थ क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए गिवन है आपके सामने वन टू थ्री फाइव और मैट्रिक्स बी गिवन है बेटा टू जीरो वन फाइव ठीक है ना और कैलकुलेट करना आपने वेरीफाई करना है ऐट ऑफ ए बी एड ऑफ ए बी इज इक्वल टू एट ऑफ बी इंटू एट ऑफ ए जो प्रॉपर्टी मैंने क्लास में प्रूव की थी बेटा वो उसको अब आपने वेरीफाई करना है ध्यान रहे वेरीफाई करना है आपने इससे प्रूव नहीं होगी एग्जाम्पल लेकर केवल वेरीफाई किया जा सकता है बेटा ठीक है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करता हूँ मैं ए बी तो ए बी कैलकुलेट करेंगे तो ए बी का प्रोडक्ट कर देते हैं रो बाई कॉलम प्रोडक्ट तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे देखिए ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा टू तो टू प्लस टू हो गया फोर अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे जीरो और प्लस टेन अब सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे सिक्स प्लस फाइव यानी कि इलेवन अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे ट्वेंटी फाइव ठीक है ना तो ये आ गया ए बी अब निकालेंगे हम एडज्वेंट ऑफ ए बी तो एडज्वेंट ऑफ ए बी में क्या करना है बेटा आपने मैंने बताया था इन दोनों के प्लेस चेंज कर देना ये हो गया ट्वेंटी फाइव और फोर इन दोनों के साइन चेंज कर देना माइनस टेन और माइनस एलेवन दिस इज एडजेंट ऑफ ए बी ये फर्स्ट साइड आई बेटा आपकी अब सेकंड साइड में आपने क्या करना है एडजॉइंट ऑफ़ बी और एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट करना है एडजॉइंट ऑफ बी प्री फैक्टर एड ऑफ ए पोस्ट फैक्टर तो एडजॉइंट ऑफ ए मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ देखिए इन दोनों के प्लेस चेंज कर दीजिए बेटा फाइव यहाँ पर वन यहाँ पर और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए माइनस टू यहाँ माइनस थ्री यहाँ ये है एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी एडजॉइंट ऑफ मैंने ए लिख दिया बेटा यहाँ पर तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ तो प्री फैक्टर क्या था एडज्वेंट ऑफ बी तो एडज्वेंट ऑफ बी लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर प्री फैक्टर कौन है एडज्वेंट ऑफ बी विच इज़ तो इन दोनों के प्लेस चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव यहाँ पर टू इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो माइनस वन और जीरो का कोई साइन होता है ही नहीं बेटा यहाँ पर आपने लिखना है एडज्वेंट ऑफ ए जो कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया था तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फ़ाइव इंटू माइनस टू माइनस थ्री इंटू वन तो मैंने क्या है कि एड ज्वाइंट पहले निकाल कर रखने की बजाय यहीं साथ साथ ले दिए बेटा तो एडजॉइंट ऑफ ए एड ऑफ बी आप निकाल सकते हैं यानी कि टू क्रॉस टू का अगर मैट्रिक्स आपके पास इन दोनों के प्लेस चेंज करके इन दोनों के साइन चेंज कर देना अब रो बाई कॉलम प्रोडक्ट कर देते हैं बच्चों तो प्रोडक्ट हो जाएगा देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव माइनस जीरो दैट इज़ ट्वेंटी फाइव फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ माइनस टेन प्लस जीरो एन के माइनस टेन अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस फाइव और माइनस सिक्स माइनस इलेवन सेकेंड रो का फर्स्ट सेकेंड कॉलम के साथ प्लस टू प्लस टू यानी के फोर तो ये आ गया बच्चों एडज्वाइंट ऑफ बी इंटू एड ऑफ ए देन वी ऑब्जर्व देट एड ऑफ ए बी इजिकल टू एड ऑफ बी इंटू एड ऑफ ए इज़ दैट क्लियर बेटा आ गया अच्छे से समझ में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो एलिमेंट बुक के 5.1 का क्वेश्चन नंबर फोर था ये अब है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो फिफ्थ जो सम है बेटा वो है थ्री करोस थ्री में एक स्क्वेयर मैट्रिक्स वन माइनस वन वन और टू थ्री ज़ीरो यहाँ पर एटीन टू टेन तो इसमें आपने वेरीफाई करना है प्रूव करना है ए इंटू एडज्वेंट ऑफ़ एक्वल टू जीरो वैसे तो बच्चों ए इंटू एडज्वेंट ऑफ ए आप जानते हो कि इसके इक्वल होता है प्रॉपर्टी में आपको करवा चुका, क्लास में भी करवा चुका बेटा और यहाँ पर उनके रिज़ल्ट मैं आपको बता चुका ठीक है ना तो ए इंटू एडज्वेंट ऑफ ए होता है बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल लेकिन यहाँ पर हमने प्रूव करना है जीरो रीज़न ये है इसके पीछे क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा ज़ीरो तो आप के पास यहाँ पर दो मेथड हैं प्रूव करने के भले ये सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन क्यों ना हो फाइव मार्क्स का क्वेश्चन ना हो यानी कि सिक्स मार्क्स के अभी आते नहीं बेटा 2020 से पहले आते थे 2020 लास्ट सेशन था सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2021 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं फाइव मार्क्स के हुए हैं तो यानी कि मेरे कहने का मीनिंग ये है कि अगर ये फाइव मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो भी आप एक ट्रिक इसमें यूज कर सकते हो ट्रिक वो ये है कि एक का डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर लीजिए इसमें इसको आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दीजिए टेकिंग वन लिव दिस रो एंड दिस कॉलम वी हैव थ्री ज़ीरो टू टेन टेकिंग माइनस साइन एंड टेकिंग माइनस वन कॉमन लिव दिस रो एंड दिस कॉलम टू एटीन जीरो टेन डिटर्मिनेंट आप सभी निकाल सकते हैं बेटा अच्छे से तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे ही आ जाएगा टू थ्री एटीन टू तो बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा थर्टी इन दोनों का ज़ीरो फिर प्लस का वन हो गया ये ये हो गया ट्वेंटी माइनस ज़ीरो फिर ये हो जाएगा फोर माइनस फिफ्टी फोर प्लस फोर माइनस फिफ्टी फोर तो पॉजिटिव वाले ऐड कर देता हूँ बच्चों में थर्टी ट्वेंटी और फोर यानी कि फिफ्टी फोर और माइनस फिफ्टी फोर इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस वैसे तो अगर कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है ये तो यहीं आपका आंसर आ गया है ये जीरो ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लेकिन अगर सी बी एस ई बोर्ड में आप ये एग्जाम में अगर आप सोल्व करते हैं बेटा तो उसके पीछे आपने एक लाइन लिखनी है यहाँ पर वी नो दैट ए इंटू एड ऑफ ए इंटू ए इंटू एड जॉइंट ऑफ एक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई थ्री आई एन है वैसे तो एन क्रॉस एन अगर ऑर्डर है तो यहाँ पर जो थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर है तो यहाँ पर लिखेंगे हम आई थ्री अपडेटमेंट ऑफ ए क्या है बेटा ज़ीरो और ये क्या है वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो ज़ीरो जीरो वन तो फाइनली क्या हो गया बच्चों ज़ीरो ये ट्रिक मेथड था बच्चों लेकिन अगर आपने दूसरे मेथड से करना है तो वो लेंथी है देखो क्या करना पड़ेगा ए मैट्रिक्स यहाँ लेना पड़ेगा आपको वन माइनस वन वन टू थ्री ज़ीरो और 18 टू 10 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा एडज्वाइंट ऑफ ए एड ऑफ ए मैंने कैलकुलेट कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने तो एड ऑफ ए की और ए की मल्टीप्लाई जो है वो आ जाएगी बच्चों जीरो मैट्रिक्स तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो अगर आपने इसको लेंथी वे में करना है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में करना है तो ये मेथड बेस्ट है आपके लिए ठीक है ना तो नेक्स्ट है बच्चों Sixth तो सिक्स में क्या करना है बच्चों आपने यही प्रॉपर्टी जो है यही थोरम जो है वो वेरीफाई करनी है आपने ठीक है ना ए इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए डेडमेंट ऑफ ए इंटू आई थ्री तो इसको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ देखिए ए मैट्रिक्स है आपका यहाँ पर माइनस वन माइनस टू एंड माइनस टू टू वन माइनस टू एंड टू माइनस टू और वन ठीक है ना दिस इज़ मैट्रिक्स ए और आपने प्रूव करना है बेटा वेरीफाई करना है बल्कि प्रूव भी बोल सकते हैं यहाँ तो ए इंटू एडजवाइंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू एजिकल टू डमेंट ऑफ ए इंटू आई थ्री केवल एक साइड आपने प्रूव करनी है यहाँ पर तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल माइनर फाइंड आउट करेंगे फिर कोफैक्टर और लास्ट में फिर एडज्वाइंट और फिर एडजवाइंट की ए के साथ प्रोडक्ट तो भाई मैं कोफैक्टर डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल देता हूँ टू फाइंड को फैक्टर्स डायरेक्ट फैक्टर्स निकाल निकाल देता हूँ बेटा मैं तो कोफैक्टर फर्स्ट कोफैक्टर है ए वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे वन और माइनस फोर यानी कि माइनस थ्री साइन चेंज होगा नहीं इन दोनों का संख्या है ए वन उसके बाद है ए वन टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को कैंसिल करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ये चार एलिमेंट बच गए इसका प्रोडक्ट टू इसका प्रोडक्ट प्लस फोर तो ये सिक्स हो गया इसका साइन चेंज करना पड़ेगा इन दोनों का सम क्या है ओड नेक्स्ट है बच्चों ए वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ये चार एलिमेंट बच जाएंगे ये हो जाएगा माइनस फोर माइनस टू यानी कि माइनस सिक्स साइन चेंज नहीं होगा बेटा इन दोनों का सम क्या है ई वन तो ये थे आपके फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स अब सेकेंड रो के कोफैक्टर निकालते हैं ए टू वन यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे बच्चों ये चार एलिमेंट बच गए ये चार तो इसका प्रोडक्ट माइनस टू इसका प्रोडक्ट माइनस फोर तो ये आ जाएगा माइनस टू और साइन को चेंज करना पड़ेगा इन दोनों का सम क्या है ओड ए टू टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को कैंसिल करते हैं तो ये आ गया माइनस वन ये आ गया प्लस फोर तो माइनस वन प्लस फोर कि प्लस थ्री इन दोनों का सम ई है तो साइन चेंज नहीं करेंगे ए टू थ्री सेकेंड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करते हैं तो ये आ गया टू और ये आ गया प्लस फोर तो टू एंड प्लस फोर यानी कि सिक्स इन दोनों के जो सफीक सीन का सम क्या है ओड तो साइन चेंज करेंगे इसके तो नेक्स्ट आ गया बच्चों थर्ड रो के को फैक्टर तो ए थ्री वन फाइंड आउट करते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा टू ये आ जाएगा सॉरी ये आ जाएगा फोर ये आ जाएगा टू यानी कि सिक्स इन दोनों का सम ओड है तो साइन चेंज नहीं करेंगे हम ए थ्री टू थर्ड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करते हैं बेटा थर्ड रो सेकंड कॉलम को तो ये आ जाएगा टू ये आ जाएगा प्लस फोर यानी कि सिक्स इन दोनों का सम ओड है तो साइन चेंज कर देंगे इसका उसके बाद ए थ्री थ्री थर्ड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम को तो ये आ जाएगा माइनस वन या आ जाएगा प्लस फोर तो माइनस वन और प्लस फोर यानी कि प्लस थ्री इन दोनों का सम ईवन है तो साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पर उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एडजवेंट ऑफ ए तो एडजवेंट ऑफ ए जो है बच्चों यहाँ मैं को फैक्टर लिख देता हूँ ए वन वन ए वन टू और ए टू ए वन थ्री उसके बाद है बच्चों ए टू वन ए टू वन है टू ए टू टू थ्री और ए टू थ्री है माइनस सिक्स ठीक है ना उसके बाद थर्ड रो को फैक्टर में लिख देता हूँ सिक्स माइनस सिक्स और थ्री और इसका क्या लेते हैं बच्चों ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज लेने से ही आपको मिलेगा एडजेंट ऑफ ए तो ट्रांसपोज कैसे होता है फर्स्ट जो ओरिजेंटल लाइन है ये है फर्स्ट ओरिजेंटल लाइन इसको फर्स्ट वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे जो सेकंड ओरिजेंट लाइन है बेटा ये है सेकंड ओरिजेंटल लाइन ये है सेकंड ओरिजेंटल लाइन इसको सेकंड वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे और जो थर्ड औरिजेंटल लाइन है बेटा ये है थर्ड ओरिजेंटल लाइन इसको थर्ड वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एडजवेंट ऑफ ए अब फाइनली आपने निकालना है ए इंटू ऑफ ए का प्रोडक्ट तो ए इंटू एडजवेंट ऑफ़ ए का प्रोडक्ट निकालते हैं देखिए ए मैट्रिक्स आपके पास है माइनस वन माइनस टू और माइनस टू ये है टू वन और माइनस टू और टू माइनस टू और वन ये ए है और एडजवेंट ऑफ ए है आपके पास जो अभी कैलकुलेट किया हमने माइनस थ्री टू और सिक्स माइनस सिक्स थ्री और माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स और थ्री तो भाई प्रोडक्ट करते हैं देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करता हूँ पहले ये होगी प्लस थ्री फिर ये होगी प्लस ट्वेल्व ये होगी प्लस ट्वेल्व अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करता हूँ ये होगी माइनस टू ये होगी माइनस सिक्स और ये होगी प्लस ट्वेल्व तो ये आ गई ज़ीरो ठीक है ना अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ ये होगी माइनस सिक्स ये होगी प्लस ट्वेल्व और ये होगी माइनस सिक्स यानी कि ज़ीरो तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कंप्लीट हुई बच्चों अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं ये है सेकंड रो तो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा मायनस सिक्स ये आ जाएगा मायनस सिक्स ये आ जाएगा प्लस ट्वेल्व इज़ इज़ीरो अब सेकंड रो के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा फोर सेकंड कॉलम के साथ फोर फिर प्लस थ्री और ये आ जाएगा प्लस ट्वेल्व ठीक है ना चेक कर लेता हूँ एक बार ये आ जाएगी फ़ोर ये आ जाएगा प्लस थ्री और ये आ जाएगा प्लस ट्वेल्व ठीक है ना तो यहाँ आ गया बेटा ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फ़ोर प्लस थ्री यानी कि ट्वेंटी सेवन और यहाँ आ गया सिक्सटीन और प्लस थ्री नाइनटीन यानी कि कोई ना कोई मिस्टेक है तो को फैक्टर चेक करते हैं एक बार तो ये को फैक्टर है बच्चों जैसे कि ए टू वन ए टू वन को फैक्टर बेटा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे तो माइनस टू और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस फोर क्योंकि माइनस का साइन अटैच करना तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स और भाई माइनस सिक्स आ गया तो साइन चेंज करेंगे क्योंकि इन दोनों का सम क्या है और तो ये आ जाएगा प्लस सिक्स तो जो बेटा टू था यहाँ पर ए टू वन के प्लेस पर यहाँ पर आएगा सिक्स आपका सिक्स ठीक है ना अब ये सिक्स आ जाएगा यहाँ पर अब प्रोडक्ट करता हूँ मैं देखो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक था अब सेकेंड रो का प्रोडक्ट स्टार्ट किया मैंने तो इसका इसके साथ हो गया ट्वेल्व इसके साथ हो गया मानेस सिक्स इसके साथ हो गया इसके साथ हो गया थ्री और इसके साथ हो गया ट्वेल्व यानी कि यहाँ आ जाएगा ट्वेल्व अब इसके साथ करेंगे ये आ गया ट्वेल्व ये आ गया माइनस सिक्स और ये आ गया माइनस सिक्स यानी कि ये भी आ गया ज़ीरो अब थर्ड रो का प्रोडक्ट शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व और माइनस सिक्स यानी कि ज़ीरो सेकंड कॉलम के साथ करते हैं ट्वेल्व माइनस सिक्स माइनस सिक्स यानी कि ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो और थर्ड कॉलम के साथ करते हैं तो ये आ जाएगा ट्वेल्व और ये आ जाएगा प्लस ट्वेल्व और ये आ जाएगा प्लस थ्री तो फाइनली जो है राइट right साइड जो आई बच्चों ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फ़ोर प्लस थ्री ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन ज़ीरो जीरो जीरो ट्वेंटी सेवन जीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन कॉमन निकालेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो वन ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो वन तो दिस इज़ ट्वेंटी सेवन इंटू डिटर्मिनेट ऑफ ए ठीक है ना ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और चेक करते हैं देखो ट्वेंटी सेवन तो ये है ही और ट्वेंटी तो सेवन तो ये है ही बच्चों ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन और ये हमने प्रूव करना है डिटमेंट ऑफ ए इंटू आई थ्री के इक्वल तो डिटमेंट ऑफ ए मैं चेक कर लेता हूँ उसके लिए मैं अब की बार यूज़ करूँगा कि किसी मैट्रिक्स के किसी रो के एलिमेंट और उसी रो के कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम ही क्या होता है बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मैं एलिमेंट ले ले लेता हूँ फर्स्ट रो के जैसे कि माइनस वन माइनस टू और माइनस टू और कोफैक्टर ले, ले लेता हूँ फर्स्ट रो के ही जो कि है माइनस थ्री माइनस सिक्स और माइनस सिक्स तो ये आ जाएगा प्लस थ्री और प्लस ट्वेल्व और प्लस ट्वेल्व यानी कि ट्वेंटी सेवन तो फाइनली बेटा ए इंटू एड ज्वाइन ऑफ ए आ गया डिटमेंट ऑफ ए इंटू आई थ्री के इक्वल ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन था सिक्स सेवन्थ क्वेश्चन में हम चेक करते हैं देखो ए मैट्रिक्स गिवन है आपको यहाँ पर टू थ्री फोर और थ्री ज़ीरो वन साथ में टू वन फाइव ये है बेटा ए मैट्रिक्स और चेक क्या करना आपने वेरीफाई क्या करना है ए इंटू एडज्वेंट ऑफ एडज्वेंट ऑफ ए इंटू एक्ल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन यानि कि आई थी ये आपने वेरीफाई करना बेटा ठीक है ना इसको वेरीफाई करना है तो कई बार हम यही कर चुके अब तक जो क्वेश्चन किए हमने वो मोस्टली यही क्वेश्चन किए हैं यू कैन डू इजीली तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और सोल्व कर देते हैं बेटा तो लास्ट क्वेश्चन है इसका ए इज स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है फाइव के इक्वल आपने निकालना ए इंटू एड ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिंट निकालना आपने और ए का ऑर्डर है थ्री क्रॉस थ्री तो भाई इसका मैं आपको जो थ्योरम थी उसका प्रूफ मैं आपको दे चुका क्लास में और यहाँ पर फिलहाल मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट लिख देता हूँ तो ये वैल्यू होती है बेटा डिटमेंट ऑफ ए रेस टू द एन के इक्वल और डिटमेंट ऑफ ए है फाइव और एन है यहाँ पर थ्री यानी के ऑर्डर तो आंसर आ जाएगा आपका फ़ाइव रेस टू द द्री यानी के वन ट्वेंटी फ़ाइव ठीक है ना तो बच्चों मेरी तरफ से एक्सरसाइज़ फ़ाइव पॉइंट वन कम्प्लीट हुई बेटा आपकी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम रहती है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर मेरे को व्हाट्सअप पर मैसेज सेंड कर सकते हो ए, क्या कि आपका काम जो 5.1 का ये है इन सभी थ्योरम के प्रूफ कीजिए प्रूव कीजिए इनको इनके रिज़ल्ट याद कीजिए और क्वेश्चंस में इनको यूज़ करके प्रैक्टिस कीजिए ठीक है ना ओके बेटा